एक नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों का क्लैश हुआ, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। मगर इस बिग क्लैश के बावजूद दोनों ही फिल्में अच्छा कर रही हैं। 10 दिनों के बाद भी दोनों फिल्मों को जनता का बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तभी तो दोनों ही फिल्मों की कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के पार जा चुका है। सबसे पहले बात भूल भुलैया 3 की करते हैं। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म को जनता का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पसंद आ रहा है। 35.5 करोड़ की ओपनिंग पाने वाली इस फिल्म ने 10वें दिन 16.5 करोड़ रुपए की कमाई की। 10 दिनों में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर लिया है। ये कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इसके पहले उनकी भूल भुलैया 2 ने 186 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दिन के हिसाब से अगर इन आंकड़ों को समझे तो पहले दिन इस फिल्म ने 35.5 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 37 करोड़ रुपए कमाए, तीसरे दिन 33.5 करोड़ रुपए, चौथे दिन 18 करोड़ रुपए, पांचवे दिन 14 करोड़ रुपए, छठवे दिन 10.75 करोड़ रुपए, सातवे दिन 9.5 करोड़ रुपए, आठवे दिन 9.25 करोड़ रुपए, नौवे दिन 15.5 करोड़ रुपए और 10वें दिन 16.5 करोड़ रुपए। कुल इसने 200 करोड़ रुपए कमा लिए। सिंघम अगेन की बात करें तो रोहित शेट्टी की ये फिल्म कैमियोस की वजह से काफ़ी चर्चा में रही। दीपिका से लेकर रणवीर सिंह और सलमान खान तक इस फिल्म के कैमियोस की वजह से जनता ये पिक्चर देखने के लिए थिएटर्स तक पहुंच रही है। 43.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग पाने वाली ये पिक्चर अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 206.83 करोड़ रुपये कमा चुकी है। दिन के हिसाब से अगर इन आंकड़ों को समझे तो पहले दिन इस फिल्म ने 43.5 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 42.5 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 35.75 करोड़ रुपए, चौथे दिन 18 करोड़ रुपए, पांचवें दिन 14 करोड़ रुपए, छठवें दिन 10.5 करोड़ रुपए, सातवें दिन 8.75 करोड़ रुपए, आठवें दिन 8 करोड़ रुपए, नौवें दिन 12.25 करोड़ रुपए और 10वें दिन 13.25 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि कुल इसने 206.8 करोड़ रुपए कमाए। दोनों फिल्मों के आंकड़े देखकर समझ आ रहा है कि क्लैश का बहुत कम असर पड़ा है दोनों ही फिल्मों पर। रिलीज से पहले दोनों के मेकर्स परेशान थे कि उनकी फिल्म की कमाई पर असर ना पड़े, मगर ऐसा होता तो दिख नहीं रहा। दोनों ही फिल्में अच्छा कर रही हैं। रिलीज से पहले शोज और स्क्रीनिंग को लेकर भी काफ़ी भसड़ चल रही थी, मगर अब दोनों ही मेकर्स संतुष्ट होंगे कि उनकी फिल्म पर क्लैश का ज़्यादा असर नहीं पड़ा। खैर, दोनों ही फिल्मों का रिव्यू हमने अपनी वेबसाइट पर भी और अपने चैनल पर भी किया है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।